कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों, मजे में। गर्मी की ऋतु में कई बार दिक्कत हो जाती है कि हम क्या ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स पिए या शरबत पिए जिससे हमारे शरीर में ठंड बनी रहे। दोस्तों, नींबू विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन इन दौरान विटामिन सी से भरपूर नींबू इतने महंगे हो चुके होते हैं कि रोज रोज नींबू पानी पीना संभव नहीं होता दोस्तों। और अच्छे नींबू भी नहीं आते, मोटी छाल वाले आते। जो पतली छाल वाले तो अच्छे होते, लेकिन रस जो निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है दोस्तों। और फिर भी कई लोग होते हैं जो नींबू पानी पीते। हम आज जानेंगे कि नींबू के बगैर हम ऐसा कौन सा शरबत पिए या ऐसा कौन सा जल पिए कि जो हमारे शरीर में दिन भर थकावट तो दूर करे और साथ ही साथ ठंडा भी रखे। और एक बात और जानकारी लेंगे कि अगर नींबू पानी पीते हो तो किस तरह से पीना चाहिए दोस्तों। कई बार हम नींबू पानी बाजारू पीते हैं जो प्लास्टिक की बाल्टियों में बनाए हुए होते हैं और करीब करीब 10 रुपये के आसपास होते हैं दोस्तों। और ये नींबू पानी आपको हानिकारक होते हैं क्योंकि वो सड़े हुए नींबू भी होते हैं, वो निचोड़े जाते हैं और वो भी प्लास्टिक की बोतल में, बाल्टी में, और जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है दोस्तों। अगर आपको नींबू का पूरा इस्तेमाल करना है तो किस तरह से करेंगे? मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि अगर आप नींबू का सेवन करना चाहते हो तो कांच की बोतल में एक पानी भर लीजिए जो करीब करीब आधा लीटर हो तो भी चलेगा, और उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ दीजिए, और दिन भर जब भी आपको प्यास लगे तो ये पानी आप पिए। अब होता क्या है दोस्तों कि एक साथ एक नींबू निचोड़कर शरबत बना के पीना वो उतना लाभदायी नहीं होता है उतना। ये एक बोतल में अगर आप नींबू निचोड़ कर शक्कर वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, यही आप आधा आधा ग्लास पीते हो तो आपको विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो आपको ज़्यादा लाभ करेगी शरीर में। दूसरी बात, अगर आप नींबू पानी पीना चाहते हो तो कभी भी आप उसमें शक्कर की जगह मिश्री मिलाते हो और साथ ही साथ ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है वो एक छोटी दो चुटकियाँ डालते हो और सेंधा नमक डालते हो तो ये आपको ज़्यादा लाभ करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी नींबू पानी या मौसमी का जूस या कोई भी ऐसी खट्टे पदार्थ वाले शरबत ना पीना, क्योंकि बाजारों में तो सैक्रीन भी डाल देते हैं और शक्कर भी वो लोग कौन सी लाते हैं वो पता नहीं है, और हिला हिला के लोगों को शरबत मज़ेदार लगता है उसलिए वो लोग पीते हैं दोस्तों। ये थी नींबू की बात, नींबू शरबत की बात और नींबू किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेरी नज़र में एक अच्छा उपाय है, अगर वो आप करते हो तो दिन भर आप तरोताज़ा भी रहते हो और आपके शरीर में भी ठंड बनी रहती है और घर के सारे लोग लाभ ले सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है दोस्तों, सूखे आंवले बाजार में आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। यदि आप 5 से 10 ग्राम आंवला आप अपने मटके में डाल देते हो और दूसरे दिन वो पानी पीना शुरू करते हो तो आप देखोगे कि आंवला का स्वाद इतना मधुर है कि आपको जो पानी पीते हो वो एकदम मधुर लगेगा, आपकी प्यास है वो मिटेगी और दिन भर आपके शरीर में एक ठंडक बनी रहेगी दोस्तों। 10 ग्राम की मात्रा, आपको 100 ग्राम अगर आंवला लाते हो तो आप देखोगे कि आपको 8-10 दिन वो चल सकते हैं, और नींबू से सस्ते भी है और विटामिन सी में दुनिया का ये एक ही फल आंवला ऐसा है जो सूखने के बाद उसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो डबल हो जाता है, डबल क्या ट्रिपल भी हो जाता है अगर आप अच्छी कंपनी का लाते हो। पंसारी के वहाँ से जो छाँव में सुखाए हुए आंवले होते उसका इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि पानी इतना मधुर लगता है पीने का,
अगर आप 2 ग्लास पीते हो उसकी जगह 1 ग्लास में ही आपको सुकून हो जाएगा, आपके शरीर में एक ठंडक आ जाएगी दोस्तों। और इस तरह से आंवला का आप उपाय कर सकते हो। विटामिन सी से भी भरपूर है और कई ऐसे उसमें खनिज द्रव्य है जो शरीर को लाभ करते हैं, ठंडक देते हैं। और एक इसका उपाय कर सकते हो दोस्तों, जो लोग को बेहद ही एसिडिटी होती है, ऐसे लोगों को पेट में जलन होती है, दिन भर गर्मी पसीना होते रहता है, वो लोग अगर 1 गिलास पानी में आंवले का 1 छोटा चम्मच जो चाय का चम्मच डाल दोगे और उसे हिला लीजिए, हिलाने के बाद उसे ढक दीजिए, सुबह जब भी आप उठते हो तभी इसका जो ऊपर का पानी है वो हल्के से छानकर आप ये पीते हो तो इसे आंवले का हीम कहा जाता है। और ये हीम इतना ठंडा होता है कि शरीर के लिए इतना आनंद देने वाला होता है और ये बेहद ही ठंडक देने वाला होता है। जो लोग को बार बार टॉयलेट जाने की समस्या होती है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है, ऐसे लोग यदि इस आंवले का हीम मतलब ठंडा, और इसका उपाय आप करते हो तो आप देखोगे कि 2-3 दिन में आपके शरीर में ठंड बनी रहेगी, चाहे आप बाहर जाओ तो भी आपके शरीर के अंदर ठंड रहेगी। ये उपाय जरूर से करने जैसा है दोस्तों। और घर के सभी लोगों के लिए तो मैंने उपाय आपको बताया ही है कि 10-1 ग्राम जैसे आंवला आपको मटके में डाल देने हैं और सुबह वही पानी आपको सभी लोग पीते हो तो आपको पानी भी मधुर लगेगा और आपकी प्यास भी बुझेगी। जो लोग को बार बार प्यास लगती है वो लोग भी इस आंवले वाले पानी को पीते हैं तो वो देखेंगे कि शरीर में एक ठंड बनी रहेगी और प्यास बुझेगी दोस्तों। तो मेरा ये 2 उपाय था, पहला नींबू का, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप आंवला का जरूर आनंद लें और विटामिन सी से भरपूर है, बल्कि नींबू से कई गुना ज़्यादा है और खर्च में भी कम है दोस्तों। एक बार आप लाते हो तो हफ्ता 10 दिन निकल जाएगा, 100 ग्राम आप लाते हो तो 10 दिन यूं ही निकल जाएंगे, लेकिन इसका जो लाभ है वो बहुत ही बढ़िया है, आनंदित आनंद देने वाला है दोस्तों। ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इन गर्मी के मौसम में जरूर से इस आंवले का आप लाभ लें और आपका घर परिवार गर्मी में भी ठंड का एहसास करे, इसी कामना के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। आपका घर परिवार आनंदित रहे, स्वस्थ रहे और आनंदित रहे। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए